बिला तकल्लुफ बातचीत के साथ मैं आपसे इस वक्त चेक रिपब्लिक के शहर प्राग से बोल रहा हूँ। मैं और हलीमा बुनियादी तौर पर पहुँचे थे फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के लिए और वहाँ पे हमने 3 दिन बुक फेयर पे गुजारे। वहाँ से निकल के अब हम यहाँ पे आए हैं प्राग में। बहुत ही खूबसूरत सुंदर शहर है, जिन दोस्तों ने देखा उनको मालूम है कि कितना अच्छा शहर है। यहाँ से निकल के हम फिर स्लोवेनिया जाएंगे, वियना जाएंगे, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट और फिर बैक टू टोरंटो। बातचीत जो मैं आज आपके साथ करूँगा, मैं अगरचे अपने शहर से, अपने मुल्क से दूर हूँ, अपने प्यारे कनाडा से दूर हूँ, दुनिया के बाकी देश भी उतने ही प्यारे हैं, मगर मैं यहाँ पे बैठ के भी उसी तरह भारत और कनाडा के रिश्तों को देख रहा हूँ। अमेरिका ने जो पास्ट फ्राइडे को एक अजीबोगरीब जो अनप्रेसिडेंट किस्म की स्टेटमेंट दी FBI की तरफ से भारत के एजेंट के हवाले से, तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि आफ्टर ऑल अमेरिका को इस तरह की ज़रूरत क्या पड़ी थी, कनाडा के साथ उस बात का क्या कनेक्शन है। ये है आज के मेरे व्लॉग का ख़ास तौर पर मौजू। इसके साथ मैं बातचीत करूँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो मैं ख़ास तौर पर जर्मनी में मैंने ऑब्ज़र्व किया, जिस तरह इमिग्रेशन का मसला जर्मनी में बन रहा है और उस इमिग्रेशन के मसले के साथ साथ यहाँ पर फार राइट की पार्टियाँ जिस तरह उभर रही हैं। मेरी बहुत सारे वहाँ पे इमिग्रेंट्स बैकग्राउंड के लोगों से भी बातचीत हुई और कुछ जिनको कोट अन कोट फार राइट के कहा जाता है, जो कोट अन कोट वाइट कॉकेशियन जर्मन हैं, उनसे भी मेरी 2-1 लोगों से बातचीत हुई। तो मैंने पर्सपेक्टिव जान चाहा, इस पे भी आज मैं बातचीत करूंगा। इससे पहले कि ये दोनों मैं बातें अपने व्लॉग में आगे लेकर चलूं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल, पर्सनल यूट्यूब चैनल ताहिर गोरा को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब कर सकें हमारे टैग टीवी के चैनल को तो वो भी कीजिए, और अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकें तो वो तो ज़रूर कीजिए, सारी बातें ज़रूर कीजिए, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। देखिए, मेरा पिछला एक व्लॉग था पिछले हफ्ते का, जिसमें मैंने जो भारतीय हैं यहाँ पे कनाडा में खासतौर पर बसते हैं और अमेरिका में भी बसने वाले, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बसने वाले, उनके हवाले से मैंने एक अपीलिंग किस्म का वीडियो निकाला था और उसको बहुत सारे लोगों ने संजीदगी से देखा, मुझे बड़ा फीडबैक आया। मेरा यही कहना था कि जब तक भारतीय बैकग्राउंड के लोग ख़ासतौर पर कनाडा में बसने वाले अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिव करने से मेरी ये मुराद नहीं है कि वो अपनी आपको पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से इलेक्शन में लेके आएं, लेके आए अच्छा अमल है, मगर हमारे कुछ MPs बैठे हुए हैं, MPPs हैं बैठे हुए हैं, सिर्फ 2 सो फार MPs हैं, शुभ और चंद्रा आर्या जी, जो खुल के बात करते हैं, ख़ासतौर पर चंद्रा आर्या जी, और भी कई MPPs हैं, और भी MPs हैं, फ्रेंकली वो खुल के कोई बात नहीं करते। तो इसका मतलब ये कि आप MPs भी बन जाएं, आपका पॉलिटिकल वेट भी हो, तब भी बात नहीं बन सकती जब तक कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग सतह पे खुद अपनी स्पेस ना मांगे। जो उनके ओपोनेंट्स हैं, उन्होंने जो स्पेस ली हुई है, जो उन्होंने अपना नैरेटिव बनाया हुआ है, जब तक वो नैरेटिव हमारी अपनी कम्युनिटी अपने तौर पर बिल्ड नहीं करेगी, अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं दिखाएगी, बात नहीं बनेगी। ये बड़ी सीधी बात है, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी साफ कहा था कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो ओपोनेंट कम्युनिटीज, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जो खालिस्तानी फोर्सेस हैं या जो एक्सट्रीम इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, जो भारत को, हिंदुओं को लताड़ते रहते हैं, उनका जब तक हम पोलिटिकली और नरेटिव के लेवल पर और अपनी स्ट्रीट पावर की स्ट्रेंथ की सूरत में नहीं दिखाएंगे पावर, तो बात नहीं बनेगी। ये बात मैं करता रहूँगा। मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो हमारी भारतीय कम्युनिटी के हैं, बड़े बड़े अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लेकिन मैं अभी व्हाट्सएप कह गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ऑनेस्टली उनमें से बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ही हैं। हमें स्ट्रीट पावर शो करनी है, ये व्हाट्सएप की जो फाइट है ना, ये नहीं चलेगी। देखिए, सीखें उन इस्लामिस्ट ग्रुप से, जो ज़रा सी उनके ऊपर बात आए तो वो शोर मचा देते हैं, रेसिज्म की हवा उठा देते हैं, जो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, जो पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाते हैं। तो जो हिंदू फोबिया हो रहा है,
तो हम हिंदू कम्युनिटी के लोग क्यों अपनी आवाज़ उस लेवल पे नहीं उठा सकते। ये बात मैं जर्मनी में भी बैठ के महसूस कर रहा हूँ, और प्राग तो खैर यहाँ पे मुझे भारतीय कम्युनिटी के लोग नहीं मिले, यहाँ पे होंगे कहीं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट शहर है। मगर जर्मनी भी उसी तरह का मल्टीकल्चरल देश है जिस तरह का कैनेडा है, जिस तरह का अमरीका है। तो ये इशूज़ मुझे जर्मनी में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैं कनाडा भारत के रिश्तों की बात करते हुए एक और रेफरेंस भी देना चाहूँगा। मैंने अभी भारत के जो फॉर्मर हाई कमिश्नर, अभी वो शायद चले गए होंगे वापस, जिनको कनाडा ने कहा हमने एक्सपेल किया, भारत ने कहा हमने वापस बुलाया, संजय कुमार वर्मा साहब, उनका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू एक कैनेडियन टीवी चैनल पर आया। उन्होंने अपने मौकफ को रखा, खुल के बातचीत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत इस बात पे तो बात उठा रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली कनाडा में इंटरनल पॉलिटिक्स के जो इश्यूज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बात अभी कुछ दिन पहले दोसांझ साहब ने, उज्जल दोसांझ साहब ने की थी अपने एक इंटरव्यू में, वो बात और मैग्नीफाइड होती हुई हमें संजय वर्मा साहब से सुनने को मिली। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल गेम्स के लिए ये काम कर रहे हैं। चलिए, संजय वर्मा साहब तो ये कहेंगे इसलिए कि वो भारत के यहाँ पे एम्बेसडर थे। मैं एक कैनेडियन होने के नाते ये बात साफ महसूस करता हूँ, मुझे साफ लगता है कि जस्टिन ट्रूडो जब बोलते हैं तो उनके अंदर वो खुद को कहते तो हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ, ऑनेस्टली उनके अंदर जैसे कॉलोनियल माइंडसेट होता है ना छुपा हुआ, जैसे वो भारतीयों को ये समझते हैं कि भाई ये अभी भी डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, और जैसे अभी भी वाइट इन पे राज कर रहे हैं, और जिस तरह की लैंग्वेज हमें सुनने को मिल रही है, मैं इसको बड़ी ही जो है ना अंडरकरंट किस्म की रेसिज्म कहूँगा। ट्रूडो साहब के बड़े दावे हैं कि वो रेसिस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वो हैं रेसिस, ब्लैक फेस, ब्राउन फेस, जो उनके पुराने हैं वो अभी तक उनके बैगेज का हिस्सा है। वो ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं। उन्होंने हम 1.5-2 मिलियन भारतीयों को जैसे कोई गार्बेज समझा हुआ है अपने वोट बैंक के लिए, जैसे कहा उज्जल दोसांझ साहब ने कि मिस्टर ट्रूडो सराउंडेड बाय खालिस्तानी। देखिए, खालिस्तानी कैनेडियंस हैं, खालिस्तानी से मैं एग्री नहीं करता, वो मेरे से एग्री नहीं करते होंगे, मगर उनकी आइडियोलॉजी अपनी जगह पे, जो ग्लोरीफिकेशन ऑफ टेररिज्म है, एज अ कैनेडियन मेरा मसला है। यहाँ पे भारत और कनाडा की बात नहीं है, यहाँ पे कनाडा और कनाडा की बात है। ये जो गाड़ियों पे गन्स की तस्वीरें खालिस्तानियों ने लगाई हुई हैं, ये जो शूटिंग करते हैं पुतलों के ऊपर, ये जो तलवारें चलाने का अमल है, एज अ कैनेडियन मैं इसको किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और ये मेरे कनाडा की इंसल्ट है। भारत जाने, खालिस्तानी जाने, भारत को खालिस्तानियों से फ्रैंकली भारत में बैठे हुए कोई चैलेंज नहीं है। मुझे भी, मैं भी कैनेडियन हूँ, पाकिस्तानी बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मैं आपको इंडियन बैकग्राउंड का कहता हूँ। मेरा मसला कनाडा है, मेरा मसला भारत बात का है, सिविलाइजेशन बात का है, वो मेरा स्पिरिचुअल मसला है, कल्चरल मसला है। ये जो पॉलिटिकल मसला है खालिस्तानियों का भारत के साथ, वो भारत जाने खालिस्तानी जाने, मगर ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स और उनमें से जो फर्दर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स मेरे कनाडा को ख़राब कर रहे हैं, मुझे ये बहुत दुख पहुँचा रहा है। एज अ कैनेडियन मैं उसको रेजिस्ट करूँगा, ये बहुत बुरी बात है। तो ये वो अहम मसला है जिस पे मैं ये कहूँगा कि अब भारतीयों को, इंडो कैनेडियंस को उठ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने जो है पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए G7 से रिलेटेड जो है, और अमेरिका का भी ये स्टाइल होता है कि एक तरफ से भारत की ज़रूरत है, भारत को प्यार के नवाले दें, और दूसरी तरफ से उसको थप्पड़ लगाएं, क्योंकि अमेरिका ने भी जिस लेवल पे वो जो एक गेम प्ले किया है, खुद अमेरिका जब चाहे जहाँ चाहे ऑपरेशन करता फिरे, उसामा बिन लादन को मारता फिरे, मिडल ईस्ट में पता नहीं किस किस को नहीं मारा। तो बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि जो असैसिनेशन प्लॉट जिसका भी था, अगर वो भारतीय सरकार उसमें थी तो वो अमेरिका की सरकार जाने, कनाडा की सरकार जाने, भारत की सरकार जाने, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन भारतीय सरकार तो ये कहती है कि हमें सबूत दें। संजय वर्मा साहब ने भी अपने रीसेंट इंटरव्यू में भी कहा, अभी तक भी जो, इवन मैंने RCMP की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी,
इतनी शेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे कोई उसमें सबूत नजर नहीं आता। एज अ कैनेडियन सिटीजन आई डू हैव अ राइट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ ऑल दोज एलिगेशंस। एज अ कैनेडियन आई एम नॉट गेटिंग ऑल दोज एलिगेशंस की एविडेंसेस। एनीहाउ, तो अमेरिका ने भी जो जोड़ा है, जो इतना एक्सट्रीम एंड पे किया है, वो भी लगता है कि अमेरिका और ये जो कैनेडियन सरकार के कुछ लोग हैं वो एक ही पेज पे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। खैर, ये बातें तो वो रिजॉल्व करें। मैं फिर अपील करता हूँ अपने भारतीय बहन भाइयों से, चाहे वो अमेरिका में बसते हों खासतौर पर और ख़ासतौर पर कैनेडा में, खड़े हो जाएं, उतनी ही बड़ी फोर्स बने जितने आपके खिलाफ दूसरे ग्रुप्स फोर्स बने हुए हैं। इसके बगैर कोई बातचीत नहीं चलेगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। खैर, अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ, उस पर लंबी बात नहीं करूँगा, मगर इम्पॉर्टेंट बात। जर्मनी में मैंने देखा कि यहाँ पे ख़ासतौर पर वो जो मेट्रो मेन स्टेशन है उसके आसपास के गली मोहल्ले बहुत ही फैले हुए हैं, और उन गली मोहल्लों में ख़ासतौर पर अफ़गानी बैकग्राउंड के हज़ारों लोग रह रहे हैं। मुझे यहाँ तक बताया गया कि फ्रैंकफर्ट में गालबन 3 लाख के करीब अफ़गानी बैकग्राउंड के लोग हैं, और इसके साथ साथ सोमाली जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स आए। और जब शाम को आप निकलें उन्हीं गली मोहल्लों में, आप यकीन कीजिए, ख़ासतौर पर सोमाली बैकग्राउंड के लोग और कुछ सूडानीज भी, आपको वो बच्चे यंग लोग हज़ारों की तादाद में उन गली मोहल्लों में बगैर किसी काम काज के आपको नज़र आएंगे, और वो सड़कों पे खड़े लोगों को ताड़ रहे होंगे। अगर आप गूगल करें तो पता चलेगा कि जैसे ये इलाके सेफ नहीं है। उनमें कुछ अफ़गानी भी होते हैं, लेकिन मैंने अफ़गानियों की ज़्यादा तादाद को मेहनती पाया, और वो जैसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि गली मोहल्लों में उनकी बिल्कुल जैसे कंधार में, मैं बहुत साल पहले, करीब कुछ 35-40 साल पहले एक बार गया था, तो वहाँ के जो वो जो नानों वाले स्टोर्स हैं, और या पिशावर में या केपीके में, वो बिल्कुल वैसा माहौल है। खैर, वो एक अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ अफगानियों को मैंने उबर चलाते हुए देखा, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, वो जो सोमाली हैं, मैं उनके लिए भी कतन को बुरे लफ्ज नहीं बरत रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जर्मन हुकूमत ने बग़ैर प्लानिंग जो इमिग्रेंट्स का इतना बड़ा अंबार लगाया है, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के आए हुए लोग, और ख़ासतौर पर सोमालिया और सूडान के लोग, वो जो यंग जनरेशन है वो लगता है क्लियरली कि उस सोसाइटी में मिसफिट है। मैं उनके लिए भी एक तरह से सॉरी महसूस करता था कि ये देश उनके लिए भी नहीं है, और जर्मनी के लिए भी सॉरी फील करता था कि वो अपने ऊपर किस तरह का अंबार लेके आ गए हैं। और मैं इसमें ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि जर्मनी की ये जो पास सोशल डेमोक्रेटिक हुकूमतें रही हैं ड्यूरिंग द पास्ट 10-12 ईयर्स, इनका दोष है कि इन्होंने उन लोगों को बुला के ना उनको सेट किया, ना उनको एडजस्ट किया, ना एसिमिलेट किया। वो अब ना उधर के हैं ना इधर के हैं। इसी हवाले से जब मेरी कुछ फार राइट के एक दो लोगों से, एज ए जर्नलिस्ट मैं, वो मुझे कहीं टकर गए फ्रैंकफर्ट के बुक फेयर पे, तो मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा, आप लोग इतना शोर क्यों मचाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे से, वो अच्छे पोलाइट तरीके से मिले, मैंने उनसे कहा क्यों इतना शोर मचाते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग जो आप देख रहे हैं, ये क्या हमारी सोसाइटी में सिमुलेटेड है? मैंने कहा क्यों सिमुलेटेड नहीं किया? उन्होंने कहा हमारी सरकारें तो नहीं है, सरकारें तो लेफ्ट की चली आ रही हैं, सोशल डेमोक्रेट्स वगैरह की चली आ रही हैं, और उन्होंने इनको बगैर प्लानिंग के बुलाए, तो ये अब असिमिलेट होने जोगे नहीं, हमारी सोसाइटी बिल्कुल और तरह की है। तो ये दोनों तरफ मसला है। वो जो बेचारे इमिग्रेंट्स आए हैं, जिनको ऑफ कोर्स या तो वो अपनी मर्जी से आए हैं, वो वहाँ पे भी मैंने देखा उनकी अक्सरियत, वो कोई खुश नहीं है, वो बेचारे आम से लोग हैं, ना वो असिमिलेट हो पा रहे हैं। और मैंने, मुझे डर आया, मैंने गूगल किया मेन स्टेशन के आसपास और भी कुछ इलाके मैंने देखे, आप यकीन कीजिए हज़ारों की तादाद में बिल्कुल वो बेकार फिर रहे होते हैं, और इधर उधर ताक झांक रहे होते हैं कि जैसे कोई उनको पर्स मिले, बटवा मिले, वो लेके भाग निकले। और इस तरह की कई वारदातें होती हैं, एटलीस्ट उनको देख के ना एक वियर्ड सी फीलिंग आती है, और बार बार गूगल पे लिखा हुआ है कि उनको स्टेयर ना करें, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो मैं उन बच्चों को बिल्कुल फारग देख के भी दुखी हुआ,
और जर्मनी का जो सोशल फैब्रिक है उसको बिगड़ते देखकर भी दुखी हुआ। तो मेरा यही कहना है कि सरकारें जहां कहीं की भी हों उनको एहतियात से काम करना चाहिए। अगर इमिग्रेशन को वो बढ़ाते हैं, इमिग्रेंट्स को ज़्यादा बुलाते हैं, तो फिर उनको एडजस्ट भी करें, और अगर वो उनको एडजस्ट नहीं कर सकते तो फिर फजूल की पॉलिसियाँ ना बनाएं। आज का व्लॉग मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत आपसे होती रहेगी, मेरी कोशिश होगी कि अगले शहरों में, अगले देशों में जाते हुए भी मैं आपके साथ अपनी बातचीत करता रहूं। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ अगर हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूट भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।